और सरायपाली में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान खरीदी में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर खरीदी केंद्रों में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और सभी खरीदी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना पहुंच चुका है। खरीदी केंद्र प्रभारी का कहना है कि 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जानी है। वहीं पिछले वर्ष 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही थी, लेकिन इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होनी है। इस वर्ष बायोमेट्रिक सिस्टम से धान की खरीदी होगी, जिससे पंजीकृत किसान या उनके नॉमिन बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठा लगाकर धान बेच पाएंगे। हमारे द्वारा तैयारी हो चुका है, फंड साफ समय कर लिया गया है, ड्रेनेज की व्यवस्था कर ली गई है और बारदाना भी दिख चुका है। कितने बारदाने इस बार आ चुके हैं? अभी पिछली बारदाने 20,000 आए हैं और पिछले बारदाने अपने पास 10,000। पिछले बार की अपेक्षा बारदाना इस बार पर्याप्त लग रहे हैं आपको? लग रहे हैं। एक बार सुनने में आया कुछ नए सिस्टम से धान खरीदी होगी? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से धान खरीदी होगी, उसके लिए मशीनों से सब तैयारी कर लिया गया है। क्या लगता है इस बार नए सिस्टम से जो धान खरीदी हो रही है, इससे आप लोगों को सुविधा होगी या परेशानी आएगी? सुविधा होगी। क्या सिस्टम रहेगा इस बार? के द्वारा धान खरीदी किया जाएगा, मतलब वास्तविक धान उपजाने वाला व्यक्ति ही यहाँ धान बेच सकता है, दूसरा नहीं? उपजाने वाला व्यक्ति धान बेच सकता है, नहीं तो वो स्थिति में उनकी नाम नहीं, जिनका नाम रहेगा वो आकर धान बेच सकता है। फल की सफाई हो गई है, लाइटिंग वेटिंग हो गई है, बारदाना भी आ चुका है। कितने बारदाने इस बार आ चुके हैं? 20,000 भी आ चुके हैं। तो क्या लगता है 20,000 बारदाने कितने दिन तक आप लोग के चलेंगे? एक दिन में हमको 3,000 पैकेट लेंगे, उस हिसाब से फिर कल परसों आ जाने वाली है और बारदाने की कमी तो नहीं होने वाली है, ऐसा लग रहा है। इस बार पता चला है कि किसानों की संख्या भी बढ़ी है और धान का मात्रा भी बढ़ी है प्रति क्विंटल। इस टाइम पिछले साल 15 क्विंटल थे, इस टाइम 20 क्विंटल हो गया है और पिछले 1092 किसक थे और इस टाइम 1153 किसक हो गए। तो जिस हिसाब से धान की मात्रा बढ़ी है प्रति क्विंटल और किसान की संख्या बढ़ी है, उसको लेकर क्या लग रहा है? दशा तो अच्छी और उठाव भी अच्छी होने वाली है। धान खरीदी भी कुछ नए सिस्टम से इस बार हो रही है? हाँ, बायोमेट्रिक सिस्टम होगी इस टाइम, धान खरीदी बायोमेट्रिक सिस्टम से थम्स लगाना पड़ेगी और किसानों की धान खरीदी।